देखिए, आज हम आपके दो क्वेश्चन लेने वाले हैं स्पेस से रिलेटेड। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि स्पेस से रिलेटेड ये ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए, तो दो क्वेश्चन को मैंने लिया है। इसके अलावा आपके दिमाग में और भी कोई भी क्वेश्चन हो स्पेस से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं, उस पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। चंद्रमा पर आपका वजन वो 1/6 क्यों हो जाता है, मतलब पृथ्वी पर आपका वजन है जितना है उसका 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर, ऐसा क्यों। दूसरा क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्रियों की जो लंबाई है, मतलब पृथ्वी से जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनकी लंबाई है बढ़ जाती है, तो उनकी लंबाई क्यों बढ़ जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चाहे 1 घंटा पढ़ो, चाहे आप 10 घंटा पढ़ो या पढ़ो ही मत, इस पर कोई बात निर्भर नहीं करती। इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका भविष्य निर्भर करता है। अगर आप किसी को दिखाने के लिए सिर्फ पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, ऐसा मत करो। चाहे आप 1 घंटा ही पढ़ो लेकिन आप दिल लगा के पढ़ो, क्योंकि इसी पे आपका भविष्य निर्भर है। किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल मत पढ़ो। बात कर रहे हैं वो पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आपका वजन 1/6 क्यों, ऐसा क्यों होता है कि चंद्रमा पर आपका जो वजन है पृथ्वी का 1/6 हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो होता है 9.807 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो। और चंद्रमा की हम बात करें तो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका होता है, ये मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो लगभग है ये 1/6 होता है, मतलब पृथ्वी का 1/6 होता है। इस कारण है जब भी कोई व्यक्ति चंद्रमा पे जाता है तो उसकी जो वजन का हम बात करें, वेट का हम बात करें, तो वह 1/6 हो जाता है। यानी कि धरती पे उसका वजन 60 है, 60 kg है, तो चंद्रमा पे उसका वजन कितना हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 10 kg बचता है, यानी कि उसका 1/6 हो जाता है ना। अब देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, उसके माध्यम से किसी भी बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिसाइड किया जाता है। अब देखिए, यह है फॉर्मूला आर फिजिकल टू जी, यहाँ पे है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है ये, ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है जी। एम यहाँ पे है किसी भी बॉडी का जो मास है जिसका हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और आर होता है उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे कैलकुलेट करने पे हम जो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है कितना आता है, 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि चंद्रमा पे है जो आपका वजन है पृथ्वी के 1/6 क्यों हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्रियों की जो लंबाई है वो क्यों बढ़ जाती है, तो इसके पीछे भी है गुरुत्वाकर्षण बल है वो कार्य करता है। अब देखिए, हम बात करते हैं, देखिए पृथ्वी पे क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है पृथ्वी पे, गुरुत्वाकर्षण बल ये पृथ्वी पे होता है। लेकिन अंतरिक्ष में तो कोई ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं है, तो हमारी बॉडी पूरी तरह से फ्री हो जाती है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी क्या होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, उससे बहुत सारी लचीली जो हड्डियाँ हैं बहुत सारी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है वो आपस में काफ़ी नज़दीक से जुड़ी होती है, उनमें कोई गैप नहीं होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति है अंतरिक्ष में जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो क्या होता है कि यह जो हड्डियां हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है यह फ्री हो जाती है, मतलब इनके ऊपर कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता, तो इस कारण यह है इनकी जो लंबाई है वो बढ़ने लगती है। और यही कारण है कि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो उसकी जो लंबाई है 3 से 5 इंच तक है वह बढ़ जाती है, इस कारण है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। लेकिन आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि उसकी लंबाई यह नहीं कि हमेशा के लिए वह बढ़ी हुई रहती है ना, हमेशा के लिए बढ़ी हुई नहीं रहती है। जब वह वापस धरती पर आता है
है ना, जब वह वापस धरती पे आता है तो उसकी जो लंबाई जो बड़ी थी वह वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, जितनी उसकी लंबाई पहले थी वह अब भी वह उतनी ही रह जाती है। तो इसके पीछे ये कारण है। तो ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए, इसके रिगार्डिंग स्पेस से रिगार्डिंग, इसके अलावा ज्योग्राफी से रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप हमें है पूछ सकते हैं, आप बेहिचक है आप हमें पूछ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।